स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज आपका रिव्यू क्लास है। मैं आपको दोबारा से शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ। जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका दोबारा हम रिव्यू लेंगे। तो नाउ फर्स्ट वन इज़ ग्रामर। हम ग्रामर के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रामर किसे कहते हैं? द रूल्स एंड रेगुलेशन विच फॉलोज द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। मतलब किसी भी लैंग्वेज के हम रूल्स को पढ़ेंगे तो वो हमारे पास ग्रामर कहलाती है। अगर वो हम इंग्लिश के रूल्स पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश ग्रामर कहलाएगी। अगर हम उर्दू के रूल्स पढ़ेंगे तो वो उर्दू ग्रामर कहलाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स के, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 26। हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है वॉवल्स का। अल्फ़ाबेट्स के बाद हमने डिस्कस किया था वॉवल्स को। तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल्स 5 हैं। जो वॉवल्स हैं हमारे, मैंने उसे रेड कलर कर दिया, ए ई आई ओ यू। ओके, उसके बाद ये अल्फ़ाबेट जो 26 से थे, मतलब ए से लेकर जेड तक, इसमें से मैंने वॉवल्स को निकाल दिया। जब मैंने इन सर्कल्स को निकाल दिया तो मेरे पास जो बचेंगे वो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे 21। तो वो 21 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट यहाँ तक पढ़ लिया। अब कॉन्सोनेंट के बाद हमने पढ़ा था लेटर। तो लेटर क्या कहलाता है? नाउ व्हाट इज़ लेटर? डू यू रिमेम्बर? हमने लेटर की काइंड्स पढ़ी थी कि लेटर की तीन काइंड्स होती हैं। तो वो क्या थी? फर्स्ट काइंड इज स्काई लेटर, सेकंड वन इज़ ग्रास लेटर, थर्ड वन इज़ रूट लेटर। जो स्काई लेटर मैंने उसे स्काई में लिख दिया है, जो ग्रास लेटर है मैंने उसे ग्रास बनाकर लिख दिया है, और रूट लेटर को मैंने रूट में लिखा है। मतलब जो स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्काई लेटर। जो मिड की टू लाइंस में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रास लेटर। जो लास्ट की थ्री लाइंस में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रूट लेटर। ओके, नाउ लेटर के बाद हमारे पास है वर्ड। नाउ व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। नाउ लेट्स दैट्स इज वर्ड। B is letter, A is letter, G is also a letter. इन तीन लेटर को मिलाकर हमने क्या बनाया है? एक वर्ड बनाया है जो है हमारे पास बैग, जिसका मतलब है बस्ता। बैग बस्ता, मतलब वर्ड एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप है ये लेटर, लेटर जो है ये क्या है? ग्रुप है। हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर जो है वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड के बाद हमने पढ़ा था सेंटेंस। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस इज़ अ वर्ड। सेंटेंस वर्ड के ग्रुप को कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। यहाँ पे माय, इज़, यू, दिस, योर, इट्स, बैग, क्लास, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने इसमें से कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे दिस इज़ माय बैग, दिस इज़ माय बैग। मैंने वर्ड्स को लेकर एक क्या बनाया है? सेंटेंस, जिसकी मीनिंग आपको क्लियर है और इसका मतलब क्या है? ये मेरा बस्ता है। तो सेंटेंस को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, हमारे पास यहाँ पे वर्ड के बाद सेंटेंस था। आर्टिकल्स को भी हमने पढ़ा था, इसे हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आ एंड द, इसकी यूजेस जो हैं वो कर चुके हैं। उसके बाद मैं टेंसेस का एक शॉर्ट रिव्यू देना चाह रही थी आपको, कि मैं आपको उसकी दोबारा बता दूँ जो चीज़ें हमने पढ़ी थी।